यश से क्या खिलाता है, में सबसे पहले आरोही तक पहुंचने वाली है अक्षरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अब ट्विस्ट बढ़ने वाला है क्योंकि अब इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को छुपाने के लिए आरोही और मिमी, जिनके पास भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी गलती से ही सही, अब दोनों मिलकर इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को किसी ना किसी तरह से बस छुपाने की कोशिश करते नजर आने वाले हैं। और इसके पीछे का रीजन आपको पता है, क्योंकि फाइनली हमें अब जब अभिमन्यु और अक्षरा का संगीत फंक्शन देखने को मिलने वाला है और उसके अगले दिन ही है उनकी शादी, तो अब मिमी और आरोही मिलकर ये चाहती है, स्पेशली मिमी ये चाहती है कि बस अभिमन्यु और अक्षरा की एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो ये खबर खुद ब खुद सामने आ ही जाएगी और अभिमन्यु को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अक्षरा के बच्चे को, क्योंकि उनके मन में है डर कि अभिमन्यु पता नहीं इस बच्चे को एक्सेप्ट करे या ना करे, कहीं उस वजह से वो ये शादी तोड़ ना दे। और आरोही को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि अभिमन्यु इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, तो अब या तो मिम्मी की डर की जीत होगी या फिर जो आरोही है उनके कॉन्फिडेंस की जीत। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बहुत ही जल्द ये जो प्रेगनेंसी न्यूज रिपोर्ट है ये और किसी के हाथ लगती नजर आने वाली है, मंजरी माँ इस तक पहुंचती नजर आने वाली है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या मंजरी माँ के सामने उसी फंक्शन में आ जाएगी वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट और वो पढ़ लेंगी उसे, और फिर वो मोमेंट, वो शादी वाला मोमेंट वहीं का वहीं रुक जाएगा। चैनल के लिए आप इसकी शेयर क्या कहलाते हैं, लगातार देखते रहिए, स्क्रिप्टेड का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चल रहे हैं, बाय एवरीवन।